चूरन की मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती। जिसने गोली को मारा उसी ने चूरन को मारा। कोई तो शाणा है जो इन खिलौनों में चाबी भर। भांजे क्या है, तूने कुमार की गाड़ी उठाई ना, इसीलिए वो सब कर रहा है। नहीं मामू, देख भांजे, वो एक नंबर का एटीट्यूड वाला है, कभी अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ भी मत बोलो मामू। गोली के बाद कुमार को मेरे को या बाटला को ठोकना चाहिए था, उसने रवि को गाय को शहीद किया। ये किसी दुश्मन पार्टी का काम लगता मामू। की चल छे स्केच की डिस्कस कर छे। अरे कुछ नहीं सेठ। ओके अभी आसी। ठीक है ठीक है। ए, उस दिन गाड़ी सर्विसिंग के बाद चूरन को डिलीवरी करने कौन बोला? सेठ ने बोला था, और कौन बोलेगा। तेरा चलान बुक में देख, एड्रेस और फोन नंबर रहेगा। लगा फोन उसको। कॉल नहीं लग रहा है। एड्रेस कहाँ का? गली नंबर 2 क्रॉस लेन विठलवाड़ी। विठलवाड़ी में हमारे छोकरे हैं। हाँ बाटला, एरिया में है क्या? हाँ मेरा भाई। एक एड्रेस भेजा है, वहां पर जाकर देख कौन रहता और मेरे को फोन कर। हाँ हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ ठीक है। हेलो, क्या हुआ, फोन क्यों किया? आज तो आप मुझे मायके ले जाने वाले थे ना। हाँ बोला था, दिन खत्म हो गया क्या? लेके जाऊंगा ना। आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। पैसे कमाओ या तेरे लिए टाइम निकालू। अरे पर कब तक आओगे? बड़बड़ करती रहती है। क्या हुआ, क्यों भड़क रहा है? बीवी का फोन था। क्या बोली? मायके ले जाने के लिए बोला था, भूल गया तो सुबह से चिड़चिड़ कर रही है। अबे प्यार से बात कर, भड़कता मुझे मत। फोन देख, फोन देख। जबराट का फोन। ए डिस ब्रेक। क्या भैया, खाना खाया? अभी नहीं खाया, कार की डिलीवरी अर्जेंट है। बाद में कर लेना, पहले खाना खा ले। स्केच, वो एरिया में ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है। गाड़ी का नंबर क्या है? पता करता हूँ। आरटीओ में फोन कर और ओनर का एड्रेस निकाल। कौन है आप लोग? महेंद्र जी। हाँ वो मेरे पापा हैं। घर पे हैं क्या? पापा। चित्रा। हाँ जी। कॉफी लेकर आ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, पी लो। तू कॉफी ला। लान दिया। ब्लैक कलर की फोर्ड फिएस्टा 997 गाड़ी आप ही की है ना? हाँ मेरी है, कहाँ देखी? सर्विस के लिए दिया था आपने। सर्विस के लिए? मैं समझा नहीं। गाड़ी को चोरी हुए 15 दिन हो गए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की है, उसकी FIR की कॉपी भी है मेरे पास। मीरा FIR की कॉपी लेकर आ। नहीं रहने दो। उसी के बारे में मालूम अच्छी है, गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी? पल्टन रोड पुलिस स्टेशन के सामने से, मेन रोड से चोरी कर ली। सर मेरी गाड़ी। कंप्लेंट से कुछ नहीं होता, पैसे खिलाने पड़ते हैं। चलता हूँ। सबसे पहले उस शाणे कौवे ने गाड़ी को चुराया, फिर उस गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया, फिर गाड़ी की डिलीवरी के बहाने मारने का प्लान बनाया। गाड़ी चोरी कहाँ हुई? पल्टन रोड। इमेज को फोन मार। हाँ बोल बका। कुछ खास नहीं बे, पल्टन रोड में गाड़ी चोर कौन है? क्यों पूछ रहा है? अबे गाड़ी चोरी हो गई है, उसी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ से गाड़ी कौन उठाता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब जॉनसन दे सकता है, उसको मिल। तो फिर मीटिंग करा दे उसे बका। और हिमेश सिल्किया, ए मगज खराब नहीं कर, काम करने है। भाई तुम दोनों इधर ही रुको, मैं जॉनसन को मिल के आता हूँ। ए जॉनसन भाई। क्या हिमेश, फिर से गाड़ी पे हाथ साफ किया क्या? आप अपनी दाढ़ी साफ कराओ ने, उधर दो छोकरे दिख रहे हैं मेरे लंगोटिया यार है। उसकी एक गाड़ी है जिस पर पल्टन रोड पे किसी ने हाथ साफ कर दिया है, बता कौन है वो? तू तो ऐसा बोल रहा जैसे अपुन ने उस पे हाथ साफ किया है। ए रेने भाई, तेरे पे तो पक्का विश्वास है पर तेरे लड़कों पे नहीं है। तेरी बात में वजन तो है। रुक मैं एक काम करता हूँ, लड़कों को बुलाकर गाड़ी की कटिंग निकलवाता हूँ। जल्दी कर। चल भटक ले। सर सब ठीक है ना रे? यस सर, एवरीथिंग इज ओके। जो पुना का। अरे अब क्या हो गया? आपने तो कहा था जल्दी आओगे, फिर क्यों नहीं आए? फोन करने के लिए भी मना किया था। आपको अपने बीवी और होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं? ए ज्यादा सेंटी मत कर, फोन रख। हेलो, फोन रख। मेरी बात का जवाब दीजिए। दे मेरे को। हेलो, काय को भड़कता बे, हमेशा लगी रहती है। हेलो आप सुन रहे हैं? हेलो हाँ बोलो भाभी। देखो ना भैया, ये घर ही नहीं आ रहे हैं। टेंशन नहीं, आप 1 घंटे में उसका दीदार कर लेंगे, ठीक है ना? चलो रखता हूँ। ये ऊपर है, खुश खबर मोटा भाई।
जॉनसन का फोन आया था, पता लग गया। सही है। क्या? उसने बोला है दुकान पे आ जाओ। हाँ तो चल चल। तू सीधा घर जा। घर पे? अबे जा ना, कल बात करते ना। हिमेश, स्केच के साथ रहना। ले उतरो भाई। ले आ गया, चलते हैं। ठीक है हिमेश, तू जा, मैं देख लेगा। ए, तुम लोग शटर गिराओ और जाओ, बोला ना घर जा। पर भाई, चल भाई बैठ। चलता हूँ हिमेश, तू फोन मान मेरे को। मैं तुमको बोला था इसमें कुमार का हाथ है, लेकिन एतबार नहीं किए तुम। अब इसको ठोक डालूंगा। कुमार को पुलिस देख लेगी। मेरे तीन आदमियों की जान जा चुकी है, तू फिलहाल अंडरग्राउंड हो जा, मैं तुझे बाद में बुला लूंगा। ओए लड़का। हाँ सेठ। चलिए बैग गाड़ी में रख। ओके सेठ। मैं भी क्यों गाड़ी उठाने को बोला। मच मच तो इसमें कौन सा गुनाह किया? गाड़ी जुटा है ना, तो क्या हुआ? अरे वो धंधा हमारा, वैसे भी वो गाड़ी उसकी नहीं, तुम्हारी थी। चलो कल गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी कर देता हूं। तो मेरे को बताओ, चूरन गोली और बाटला में जान वापिस आ सकती है क्या? अरे वो तो एक बेजान गाड़ी थी सेठ। कुमार को मारना इतना आसान नहीं है, तुम अकेले हो स्केच, उसके पास गुंडों की फौज है। देखो मैंने सर पे कफन। सेठ, कौन बोला हुआ अकेला है? मैं इसके साथ है। एक जमाने में इन हाथों में हथियार था, मेरे एक इशारे पर पूरा जुलूस आ जाएगा। उसको दिखाना पड़ेगा कि उसने किससे पंगा लिया। अरे ऐसी बात नहीं है सेठ, अगर वो हमारे घर का दिया बुझाएगा तो हम उसकी चिता जला देंगे। गलत छेद में हाथ डाल दिया है, काट डालूंगा। ए, तू प्लान बना मांझे, अभी जुलूस खड़ा करता हूं। ए मार्टिन। कौन बोल रहा है? राजन बोल रहा है। क्या बात है, कैसे याद किया? काम था तेरे से। ए रामा, हुकुम करो भाई। अपने सारे आदमियों को लेकर फौरन मेरे पास आ। बस बस। एक मिनट एच और जूम कर। कवि सर, इसको किधर तो देखा है? वो चाय की दुकान पे रात को, ये जिस लॉज में रुका था वहां पे फोन कर, पता करिए कितने लोग थे, इनके डिटेल्स निकाल लो। कर। ओके सर। आ गया मेरे शेर। कैसे हो भाई? कैसा है? अच्छा हूँ भाई। घर में सब? अरे भाई कैसे हो, सब ठीक है ना? सलाम भाई। सलाम सलाम। मजे में ना भाई? आपकी दुआ है। इन्हें पिलान समझा दे मांझे। आप सबको एक इन्फॉर्मेशन निकालनी। अच्छे से समझा दिया ना? एकदम कड़क। हो जाएगा, चिंता मत कर, काम हो जाएगा ना। ऐसा सेटिंग लगाने का कि कुमार बचे नहीं, दो दो लोग की टीम बनाना, उसको फिनिश करने का। देखो अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो गेम पलट जाएगा। उसके घर के इर्द गिर्द फील्डिंग लगाना। स्केच अपने आदमियों से कुमार की एक एक डिटेल इकट्ठा करने को कहता है। ये युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी थी। स्केच तुम बराबर बोला, उसके घर के पास एक लैंप पोस्ट है। भाई जब मैंने ठेले से नजर रखी तो देखा कि वो अक्सर बालकनी से फोन पे बात करते रहता है। तो बालकनी में जो उसका गेम बजा डालते हैं, है ना? सुबह का टाइम उसे मारने के लिए बिल्कुल सही है। हथियार उसके एरिया में लेके जाना आसान नहीं है भाई। पर ऐसा कहीं उसे दुश्मनों से खतरा है कि कहीं उसे कोई मार। अगर एम्बुलेंस तो अंदर जा सकती है ना। उसकी मौत का पैगाम एम्बुलेंस में आएगा, जिसको मैं लेके आऊंगा। एम्बुलेंस में तो आओगे पर उसे मारोगे कैसे? मैं बता दूंगा। पर एरिया में हथियार कैसे पहुंचेगा? वो तुम मेरे पे छोड़ दो। हाँ बोलो। आरिश हो सर, उन गुंडों के ठिकाने का पता चल गया। कहाँ पे? कैपिटल पैलेस। मांझे सारी तैयारी हो गई है, कल से काम पे लग जाते हैं। अच्छा मामू, हाँ तुम लोग समझ गए ना? हथियार में धार लगा लिया ना? रेस्ट ले जा, मैं भी चलता हूँ मांझे। अरे मामू एक मिनट। ए हिमेश, सिर्फ मेरे से ही शादी करेगी ऐसा बोल के कारट देके गई है। बोली मेरी राह देखेगी, वो चाहती मंडप में जाके मैं उसको उठा लूं, लेकिन कुमार का मुहूर्त भी कल का ही निकल रहा है। तो मामू अब इसके साथ जाओ। मान लो अगर उसकी शादी उस छोकरे के साथ होती है तो 500 का लिफाफा लिखा देना, नहीं तो उसको उठा के लेके आना। कुमार का गेम बजा के
ढोली बजा बजा लेंगे और घोड़ी पे चढ़ जाऊंगा, उसको पीले ग्राउंड पे लेके आना, काम बजा के वहीं मिलता हूँ। देख भांजे, मैं तेरे साथ आता हूँ। हिमेश, मामू को लेके जा। भांजे, मत जाओ ना मामा। चलो मामू, मेरी साथ आओ। मगर मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। ये घड़ी नहीं, हमारे प्यार की निशानी है। तू मेरे को लव करती है क्या? अपनी जान से भी ज्यादा। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। चला जा, अंदर चलते। मामू, वो किधर जा रही है? लाल जोड़ा पहनने जा रही है। मतलब ये शादी फिक्स है? नहीं बताएगा। कुमार गैलरी में खड़ा है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज इनकी तो कल हमारी बारी है, लेकिन हमारी बारी बाद में, आज तो कुमार की बारी है। करता हूं उससे।